किसको करना है? हो गया हेलो सबको नमस्कार। आज के इस टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये जो टॉपिक है उसका एक जो एक पृष्ठभूमि है उस पे बात शुरू करते हैं। मेरा नाम छोटेलाल है और मैं अजीम प्रेमजी स्कूल टोंक टोंक में काम करता हूँ पिछले 9 साल से। और इस पूरी प्रोसेस में हमने देखने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से एक स्कूल को स्कूल की प्रैक्टिस को बेहतर ढंग से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों की, टीचर्स की और अभिभावकों की, जो ये पूरा त्रिकोण है और हर स्टेक होल्डर की इसमें जो भूमिका है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो कुल मिला के बात यहाँ से शुरू होती है कि स्कूल का मकसद क्या है और स्कूल किन के लिए है। और इसी सवाल के साथ इस पूरी प्रक्रिया की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है कि हम कुल मिला के जो सारा बिजनेस, सारा तामझाम और सारी जो प्रक्रियाएं लगाने की कोशिश करते हैं उसमें बच्चा केंद्र में होता है। और उस बच्चे के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि आखिर बच्चे को स्कूल में क्यों आना चाहिए, स्कूल किस तरह से उस बच्चे को के विकास में, उसके डेवलपमेंट में, उसको आगे बढ़ने में, या उसको ये कहें कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे तैयार होने में स्कूल का क्या रोल होता है, तो इसी प्रश्न के साथ में हम बात शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चा हमारे केंद्र में है और बच्चे के अराउंड हम पूरी योजनाओं को आकार देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको बच्चे की तैयारी के लिए उन सारे पक्षों को हम बारीकी से देखने, समझने और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो मूलभूत प्रश्न ये जिससे हम हमारा सामना होता है वो ये होता है कि आखिर बच्चे का सीखना होता कैसे है, या बच्चे के सीखने में किन किन प्रक्रियाओं का, किन किन बेसिक एलिमेंट्स का रोल होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बात की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीखना मूलतः जो पूर्व ज्ञान है, जो बच्चे की पूर्व की समझ है, वो जो चीज़ें, जो समझ, जो अवधारणाएं और जो एक्सपोजर कम्युनिटी से, समुदाय से, अपने परिवार से, अपने आसपास से लेके आता है, उसके साथ ही हम उसके बेस पे ही, उसके आधार पे ही हम बच्चों के साथ में काम करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेस पे नए अवधारणाओं को ऐड करने का प्रयास किया जाता है। जब बेसिक बात यहाँ से शुरू होती है कि जब हम किसी भी तरह के नए ज्ञान का निर्माण बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, नई समझ का विकास या बच्चे के साथ जो नए डायमेंशन हैं सीखने के उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहली बात यहाँ से शुरू होती है कि क्या हमने उन बच्चों को उनके उनके बेसिक जो समझ के जो भी स्तर हैं, या उनका जो जिस लेवल का एक्सपोजर है, भाषाई या पर्यावरणीय, उन सबको हमने जाना है क्या, या उनको हमने समझा है क्या? अगर उनको हमने समझा है तो फिर अगला स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि क्या हम बच्चों के परिवेश से, उनकी पृष्ठभूमि से
और उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक जो पूरा ताना बाना है उनके आसपास, उनको कितना हम जानते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल में अगला सवाल इस बात अगला मुद्दा यहाँ जाके कनेक्ट होता है कि टीचर बच्चों को उस मायने में समझता है क्या, उस संदर्भ में समझता है क्या कि उन बच्चों की जो बेसिक समझ है, उन बेसिक जो समझ या बेसिक जो समझ के स्तर हैं उनके साथ उनको समझते हुए, उनको जानते हुए, उनको विश्लेषित करते हुए, उनके बेस पे बच्चों के साथ जो विषयों के अवधारणात्मक पक्ष हैं उनको बारीकी से, उनको सहज ढंग से, बिना उस उनको बच्चों के साथ आरोपित किए हम कैसे उन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें फिर अगला प्रश्न, अगला मुद्दा या अगला संदर्भ बच्चे के परिवेश का, उनके सामाजिक संदर्भों का, उनके एक्सपोजर का, और वो जिस तरह के पारिवारिक जो संवाद और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ स्कूल में आते हैं उनको भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उनको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगला जो एक उसमें कड़ी जुड़ती है वो जुड़ती है बच्चे की पृष्ठभूमि, और उस पृष्ठभूमि को जानने समझने और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, बच्चों को समझते हुए और नई परिस्थितियों का एक्सपोजर देने का काम करता है शिक्षक। तो इसी पूरी प्रक्रिया में हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं तो बेहतर काम करने की जो एक एक शुरुआत है वो शुरुआत इस तैयारी के साथ होती है कि क्या हमने बच्चों को ठीक से समझा है, बच्चों की पृष्ठभूमि को समझा है, और उस बच्चे की बेसिक समझ और उसका जो सामाजिक संदर्भ है उनसे जुड़े हुए जो भी डायमेंशन है उनको हमने अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया क्या। जब इस तैयारी के साथ में हम जाते हैं तो उस तैयारी को हम व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के साथ साथ बच्चों के साथ उन सारे पक्षों पे सहज रूप से संवाद का एक माहौल बनाते हैं, एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और वो संवाद अलग थलग नहीं होता है, वो संवाद होता है कि बच्चे किस तरह की समझ के साथ आए हैं और किस तरह की चीज़ों के साथ में उनका एक्सपोजर है, वो किस तरह की बेसिक जो अवधारणाएं हैं, किस तरह की एक भाषाई ग्राउंडी के साथ में आए हैं, उन सारे पक्षों को हम साथ में रखते हुए सहज रूप से बच्चे के साथ में एक संबंध कायम करते हैं, एक तरह का कनेक्शन बनाते हैं कि कैसे हम बच्चों को घर जैसा एक माहौल उपलब्ध करवा पाएं जिसमें वो बच्चे अपने आप को खुलकर व्यक्त कर पाएं, और उन सारे पक्षों को भी हम समझने की कोशिश करें कि अगर बच्चा अपने बारे में बात करता है तो उन बातचीत की प्रक्रियाओं में हम उन बच्चों के साथ जो विषयों के और जो भाषा के खास तौर पे बेसिक जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को भी वहाँ से स्टिमुलेट करें कि बच्चा उसको अपने सीखने का एक तरह का संबंध स्थापित कर पाए। तो हम इन बेसिक सवालों के साथ में अपनी बातचीत को यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भी हम किसी स्कूल में किन्हीं बच्चों के समूह या किन्हीं बच्चों के साथ काम करते हैं तो बहुत सरल सा सिंपल सा सवाल ये बनता है कि उन बच्चों के साथ स्कूल में जो होने वाला काम है उनके साथ और उनका जो पूर्व ज्ञान है उसकी उनकी जो पहले की समझ है उनके साथ में एक तरह का एक तादात्म्य हम कायम करें, एक रिश्ता एक संबंध कायम करें, और उसके बेस पे हम जो आगे के जो स्टेप्स हैं विषयों की जो अवधारणाओं को ट्रांजेक्ट करने के जो सवाल हैं उन पे हम अपने प्रिपरेशन करें, और उस प्रिपरेशन में हम इस बात का हमें शिक्षक होने के नाते ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये अवेयरनेस कायम रखने की या जागरूक होने की जरूरत इस रूप में होती है कि क्या हम बहुत नेचुरल एक कनेक्शन हम बच्चों की समझ और नए कंसेप्ट हैं उनके बीच में बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। तो इस बात इसी एक बेसिक प्रिपरेशन के साथ में, इसी बेसिक समझ के साथ में हम बच्चों के साथ में
आगे बढ़ते हैं और बच्चों के साथ में काम करने की शुरुआत करते हैं। तो जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो मुद्दा ये आता है कि बच्चा हमारे साथ में किस लेवल पे जुड़ता है, किन प्रश्नों के साथ में जुड़ता है, किस समझ के साथ में जुड़ता है, और हमारा दायित्व बनता है कि उस समझ को सामने रखते हुए जो नए नए जो एक तरह के सीखने के जो मुद्दे हैं, सीखने की जो अवधारणा है, उनके साथ बच्चों के साथ काम कर पाए। तो इसी संकल्पना के साथ में और इसी विचार के साथ में हम बच्चे के साथ सीखने की और उसको एक तरह का एक समझ के साथ और बहुत ही एक सहज वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, हम उन बच्चों के साथ में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस पूरे सिलसिले को इस रूप में आगे बढ़ाते हैं कि ये एक तरह का कहीं कोई मुकाम नहीं है, कहीं कोई ऐसा आया एक ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। एक तरह की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत हम सीखने की जो एक स्थिति है उसको हम बच्चों के साथ में बनाने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो एक सहजता के साथ में सीखने के प्रति लालायित हो, सीखने की इच्छा रखता हो और स्वस्फूर्त ढंग से चीज़ों में भागीदारी करते हुए खुद के विकास में खुद को इन्वेस्ट करने का प्रयास करे, खुद को इन्वॉल्व करने का प्रयास करे और उन सारे पक्षों को एन्जॉय करे। तो जब हम ये कहते हैं कि अगर सीखना एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, सीखना किसी चीज़ को बच्चों तक एक तरह से ट्रांजेक्ट करने जैसा मसला नहीं है, सीखना तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत डूब कर उन चीज़ों के साथ में गहरा एक रिश्ता बनाने का मसला है। जब हम सीखने को इस रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से टीचर और अभिभावक और बच्चों का जो परिवेश है उन सारी परिस्थितियों को बहुत बारीकी से आंकलित करते हुए लगातार बच्चों के साथ उन सारे पक्षों पर जिनके साथ बच्चा लगातार अपने जन्म से रूबरू रहता है, उनके साथ में सहज रहता है, उन सारे संदर्भों को आधार बनाते हुए टीचर को आगे बढ़ना होता है और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में केंद्र में होता है बच्चा। और जब केंद्र में बच्चा होता है तो सवाल मतलब ये इतना आसान नहीं है। और मैं ये जब बात कर रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ही सीखने की प्रक्रियाओं में आनंद मिले, वो बहुत ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली चीज़ों के साथ में इंटरेक्ट करें और सीखने की प्रक्रियाओं में एंगेज हों, तो ये जब प्रश्न जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये बात बहुत सारे साथी इस बात पे सवाल कर सकते हैं, ये बात पूछ सकते हैं कि क्या ये इतना इजी काम है क्या? निश्चित रूप से ये बहुत ही मुश्किल काम है और मुश्किल काम इस मायने में है कि क्या हम इन सारे पक्षों को समेटते हुए सीखने की प्रक्रियाओं को अंजाम देने में हमारी एज ए टीचर हमारी जो भूमिका होती है, हमारी जो तैयारी होती है, हमारी जो समझ होती है, उसमें हम किस लेवल पे होते हैं, मसला वहाँ है। अगर हम उन सारे पक्षों में हमारा तैयारी का वो लेवल नहीं है, हम उतने इक्विप नहीं है, हम उस बेहतर समझ के साथ में बच्चों के साथ सीखने की प्रक्रियाओं में सहभागी नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा जो काम है और जटिल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो सवाल ये होता है कि सवाल यहाँ उठता है कि क्या हम इन बेसिक सवालों के साथ में हम खुद को असेस कर सकते हैं, क्या हम खुद को एक तरह से इस रूप में देख सकते हैं क्या कि एज ए टीचर मैं कितना इक्विप्ड हूँ, कितना प्रिपेयर्ड हूँ और कितना इन सारी चीज़ों को करने के लिए खुद को तैयार पाता हूँ। जब हम खुद से सवाल करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी लिमिटेशन समझ में आने लगती हैं और हमें लगता है कि हम चीज़ों को और ज़्यादा
विस्तारित रूप से कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और बच्चों के हर बच्चे के साथ में सीखने की प्रक्रियाओं में जो हमारा रोल है, जो हमारी भूमिका है, उसको हम बखूबी कैसे निभा सकते हैं, इस प्रश्न के साथ लगातार एक टीचर का जो ऑनेस्टली अपने काम को लगातार रिफ्लेक्ट करता है और हमेशा अपने काम को बहुत ही क्रिटिकली देखता है, उसके सामने ये प्रश्न सदैव आते हैं और उन प्रश्नों के साथ वो लगातार खुद को और खुद की जो चैलेंजेज हैं, खुद के जो समझ है, उन सारी चीज़ों को विस्तार भी देता है और कभी कभी ये भी खुद को इस स्थिति में पाता है कि मेरे पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं या बहुत सारे रास्ते नहीं हैं या बहुत सारे आइडियाज़ नहीं हैं, मुझे कहीं लोगों के साथ में, किन्हीं बुक्स के साथ में, कुछ और लोगों के आइडियाज़ के साथ में इंटरेक्ट करना होता है, उनके साथ में संवाद करना होता है, फिर उन सारी जो भी ताज़ी समझ है आइडियाज़ के रूप में उनके उनके साथ में खुद को फिर और आगे ले जाना होता है। तो एक मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक सिलसिला है, एक प्रक्रिया है, एक एक तरह का काम का एक एक जर्नी है, इसको अथक रूप से एक टीचर को अंजाम देना होता है, उसको उस धरातल पर उन सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए खुद को लगातार अपडेट करते हुए चीज़ों के साथ में जुड़ना होता है। तो एक शिक्षक लगातार ताउमर एक स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है जो सीखता रहता है और खुद को नई परिस्थितियों में एक तरह से एंगेज करता है, उनके साथ में खुद को मैनेज करता है और आगे बढ़ता है। तो इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के साथ एक शिक्षक का रोल होता है, एक शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सके। हमारा मुद्दा मुख्य रूप से ये था कि किस तरह से त्रिकोण काम करता है, एक टीचर, एक बच्चा और अभिभावक, इस पूरे त्रिकोण को जब हम समझते हैं तो जो मैंने टीचर की भूमिका को जिस रूप में यहाँ रखने की कोशिश की है और बच्चे के साथ में, बच्चे के सीखने की प्रक्रियाओं में, बच्चे के विकास के सारे मुद्दों में, उसको बेहतर ढंग से समझना और उस समझ के बेस पे नई अवधारणाओं का, नई समझ का निर्माण करना टीचर की भूमिका बनती है। तो इस पूरी प्रक्रियाओं में बच्चे का जो पृष्ठभूमि है, बच्चे का जो पूरा परिवेश है, उसका जो सामाजिक संदर्भ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको साथ लेकर टीचर को आगे बढ़ना बहुत ही लाजमी होता है, उस मायने में कि वो बच्चा उस नई परिस्थिति के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की स्थिति में पाए या जो भी चीज़ें बच्चों के साथ में स्कूल में क्लास में होती हैं उनमें किसी तरह का डिसकनेक्ट ना हो। तो जब हम ये कहते हैं कि बच्चा सहज फील हो, जो भी सीखने की प्रक्रियाएं उसमें वो अपने खुद की जो समझ है उस समझ को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रिलेट करता उसको प्रतीत हो, तो इस पूरी परिस्थिति में बच्चे के पृष्ठभूमि का और बच्चे के परिवेश का, बच्चे की पूर्व समझ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक जागरूक शिक्षक और एक ऐसा शिक्षक जो बच्चों को सही मायने में समझ के साथ सीखने में मदद करता है, तो उस लिहाज से ये सारे जो एलिमेंट हैं जो बच्चों को सीखने में मदद भी करते हैं और एक तरह का एक माहौल भी देते हैं, एक परिस्थिति भी उत्पन्न करते हैं जिसमें बच्चा बहुत सहज ढंग से आगे बढ़ता है। तो ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है, पर इसमें जो प्रश्न छूटता है कि एक तो एक बार ये चीज़ें हैं कि किन्हीं चीज़ों को हमने जान लिया, समझ लिया और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब रोज़ का क्या मतलब है? तो रोज़ का जो मतलब है या कुछ अंतराल के साथ पेरेंट्स का भी स्कूल में जो जुड़ाव या उनकी जो भागीदारी है या उनका जो उनके बच्चों के विकास में, उनके सीखने की प्रक्रियाओं में जो एक भूमिका बनती है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती है, जो इस त्रिकोण की जो पूरी स्थिति है उसको प्रमाणित करती है, उसको प्रूव करती है। इसके मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा कि अगर हम किसी बच्चे के साथ में उसके जो भाषाई स्किल्स हैं उनके संदर्भ में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि
एक कक्षा एक या दो के बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार में जो भी बड़े लोग हैं, उन बच्चों के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन करते हैं, किन किन मुद्दों पे बात करते हैं, किस तरह से वो उनके साथ में जुड़ते हैं और किन पक्षों पे बच्चों के साथ में वो बातचीत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ बदली हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अवसर बच्चों के साथ बात करने के उतने नहीं हैं या कम हुए हैं तुलनात्मक रूप से। जब हम पहले की बात करें तो कि जब बड़े परिवार होते थे तो उसमें बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों के साथ में अलग अलग मुद्दों के साथ में एक खास जुड़ाव रखते थे और वो बहुत अहमियत रखते थे जो बच्चों के साथ जो बड़े बुजुर्गों का जो इंटरेक्शन होता था। खास तौर पे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो नाना नानी की, दादा दादी की कहानियों के संदर्भ अभी भी हमें मिलते हैं कि कैसे बच्चे परिवारों में बड़े बुजुर्गों के लाड़ प्यार में, उनके मार्गदर्शन में, उनके भाषाई और सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों की जो एक एक तरह का परिचय होता था उसके साथ में वो बड़े होते थे और वो ये सारा सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने का एक एक जरिया था जिसे परिवारों में कुछ उनके जो भी संस्कार हैं, उनके जो भी ट्रेडिशन हैं, उनको सिखाने के कोई स्कूल नहीं होते थे। यही जरिया होता था कि ये आपस में इंटरेक्शन के मौके थे, उनके जरिए ये लोग इन सारी चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाते थे और ये जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला कायम रहता था। तो इस लिहाज से देखें तो बच्चों के साथ जो संवाद की, लगातार संवाद की जो आवश्यकता है, उनको किसी भी रूप में जो एक नीड रहती है इमोशनली, वो किस तरह से अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, स्कूल में जो हो रहा है उन सारी चीज़ों को वो किस तरह से फेस कर सकते हैं, उन सारे संदर्भों के साथ परिवारों का बच्चों के साथ में बहुत नेचुरल और बहुत ही समझ के साथ जुड़ाव होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसकी आज के संदर्भ में काफ़ी कमी महसूस होती लग रही है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में, स्कूल में जो भी घट रहा है, उन सारे मसलों में उनका बहुत सक्रिय इन्वॉल्वमेंट और समझ के साथ इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ में जो भी हो रहा है उन सारे प्रक्रियाओं से अवगत हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उन बच्चों के साथ में बहुत एक सहज संवाद का एक माहौल बनाएं और उनके साथ बात करें कि वो किन चीज़ों में एंजॉय करते हैं, किन चीज़ों में एंग्जाइटी फील करते हैं और किन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो उनके इंटरेस्ट के हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डूब कर बहुत रुचि के साथ काम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम कुछ अपने ख्यालात रखें कि मेरा बच्चा तो ये बनना चाहिए, मुझे तो इसको ऐसे बनाना है। उन सारे हमारे खुद के जो फ्रस्ट्रेशन है या हमारी कुछ जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चों पर आरोपित करने के बजाय हम उन बच्चों को उन बच्चों के संदर्भ में, उनकी ज़रूरतों के संदर्भ में, उनके खुद के जो भी यूनिक जो एक तरह के इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट और अभिरुचियां हैं, उनकी जो एक तरह की बेसिक चीज़ों में समझ है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बहुत ही सहज संवाद करने की ज़रूरत बनती है और उन सारी ज़रूरतों को अभिभावक और बच्चों के परिवार के जो भी लोग उन बच्चों से जुड़े हुए हैं उनकी बनती है। अगर उस कमी को अगर हम ये मानते हैं कि ये सारा दायित्व स्कूल का है और स्कूल को ये सब करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभिभावक का जो एक रोल होता है, अभिभावक की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को हम या तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हुए भी जाने अनजाने दूसरी तरफ धकेलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है और जो ये जिस त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, उस त्रिकोण को इसी संदर्भ में समझे जाने की ज़रूरत है कि हम इक्वली उन सारी प्रक्रियाओं में बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, जो भी जो घट रहा है उनके विकास के संदर्भ में, जो भी काम हो रहा है, जो भी जिन भी प्रक्रियाओं के तहत बच्चे निरंतर अपने आप को जो भी ज्ञान के, समझ के, सीखने के जो नए सोपान हैं उनमें अपने आप को ले जा रहे हैं, उनमें हमें
निश्चित रूप से कदम दर कदम बहुत जागरूक ढंग से उन बच्चों के साथ रहने की, उनको उनका हौसला अफजाई करने की और उनके साथ लगातार बात करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा जिस तरह से बच्चे की जो सीखने की उसके विकास की जो जर्नी होती है वो बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो उनको कई बार नेगेटिवली और पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं, तो अभिभावक होने के नाते बहुत ही महती जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम उन बच्चों के साथ में बहुत मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं क्या, उनके साथ खुलकर इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या, हम उन बच्चों के साथ खुलकर उनके सारे जो भी पक्ष हैं उन सारे पक्षों पे बातचीत करने की अपनी तैयारी रखते हैं क्या, ये क्या हम उन बच्चों के साथ में इन सारे पक्षों पर उनको सुनने का एक तरह की सामर्थ्य रखते हैं क्या। अगर हम इस रूप में हमारी भूमिका देखेंगे तो निश्चित रूप से हम स्कूल को भी बहुत बेहतर सुझाव दे सकते हैं, टीचर्स को भी बेहतर सुझाव दे सकते हैं और हम उन बच्चों के विकास में हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं, और इस रूप में अगर हम बच्चों के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो आगे जिस रूप में अपने आप को ले जाएंगे उनके लिए वो जो रास्ते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं और जिस तरह से उनको हम समाज में अच्छे नागरिक के तौर पे विकसित करने का जो हमारा एक मंसूबा है, हमारे जो सपने हैं वो हम साकार कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इन सारे पक्षों पे बहुत विस्तार से और सहज ढंग से लगातार बातचीत होते रहने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्रिटिसाइज करें और हम खुद पे जो भी सवाल आते हैं उन सवालों की कोई एक तरह से अवॉइड करें और हम सारी कमियां दूसरे पक्ष में देखें, मिलजुल कर जो बच्चों के साथ काम करने के जो भी पक्ष हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स इस पूरी प्रक्रिया में एक्टिवली अपना रोल देखते हैं उन्हें साथ आकर मिलकर काम करने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जब ये वाला रिश्ता कायम होता है इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में हम सब मिलकर अपने जो जिम्मेवारी है उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक बेहतर स्कूल और बेहतर एक तरह का मॉडल जिसमें बच्चों बच्चों का जो विकास है वो सर्वोपरि है और उसमें अभिभावक और टीचर और जो पूरा सिस्टम है उसका एक बहुत ही सशक्त और मजबूत रोल हमें दिखता है, तो हम उसी संदर्भ में इस पूरे विचार को इस पूरी बातचीत को इस रूप में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया के साथ हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और इसी संदर्भ में जब हम बच्चों के साथ बेहतर एक रिश्ता कायम करते हुए उनको समझते हुए उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हम काम करने का पूरा एक विजन अपना रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इस काम को जिस समझ के साथ जिस अपेक्षा के साथ जिस क्वालिटी के साथ में और जिस तरह की शिद्दत के साथ में करने की एक अपेक्षा है हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक सिलसिला है एक तरह की काम की प्रक्रियाओं का एक तरह का एक जर्नी है एक यात्रा है, इस यात्रा को हम कितना पॉजिटिवली कितना व्यवस्थित ढंग से कितना अपने आप को तैयार करते हुए अंजाम दे पाते हैं ये हम सब लोगों के साझे प्रयासों से और हम सब लोगों के जो भी एक एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का जो एक पूरा पूरी संकल्पना है उसके साथ जब हम इस पूरे काम में जुटते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उसके जो प्रभाव हमें दिखते हैं वो काफ़ी सुखद भी होते हैं और उससे उम्मीद भी जगती है कि हम बेहतर काम कर सकते हैं और हमारे देश में जो भी शिक्षा के हालात हैं उन हालातों को और हम बेहतर कर सकते हैं, ये हम सब लोगों का एक संयुक्त दायित्व है, ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के साथ हमें पूरी पूरे मुहिम को एक सकारात्मक अंजाम के साथ सकारात्मक एक प्रयास के साथ में लगातार हमें अपने आप को इन्वेस्ट करते हुए अपने आप को एंगेज रखने की आवश्यकता है, तो मुझे इसमें
इसके जो पूरे इसके जो आयाम थे, इसके जो पक्ष थे, उन सारे पक्षों को बहुत ही संक्षिप्त ढंग से इस पूरी बातचीत में रखने की कोशिश की है। अगर समय हमें कुछ अनुमति देगा तो कुछ सवालों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देवन जी ने कहा है कि अभिभावक का विद्यालय में किस तरह का जो एक रिलेशन है, किस तरह का एक रोल है, उसके बारे में देवन जी पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तार से इस बात पे जोर दिया है कि अभिभावकों की भूमिका स्कूल में इस मायने में बनती है कि कदम दर कदम हर स्टेप के साथ में अभिभावक स्कूल में जुड़े, स्कूल में जिन भी विधाओं के साथ भी, जिन अप्रोचेज के साथ में, जिस समझ के साथ में बच्चों के साथ काम हो रहा है, उन सारी चीज़ों में अभिभावक की क्या भूमिका बनती है, अभिभावक उसमें क्या किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ये लगातार एक बहुत ही एक इंटेंस जो डायलॉग अभिभावक और टीचर्स के बीच में रिक्वायर्ड है, तो उस पूरे संवाद की प्रक्रिया में ही अभिभावक की जो भूमिका है वो उसमें परत दर परत स्टेप बाय स्टेप खुलकर सामने आती है कि कौन अभिभावक किन प्रक्रियाओं में किस हद तक अपना कंट्रीब्यूशन देखता है और किस तरह से वो स्कूल में जो भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो इश्यूज हैं उसमें वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, टीचर टू टीचर, स्कूल टू स्कूल, और पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो होने वाले जो डिस्कोर्सेस हैं उन सारे जो भी प्रक्रियाओं में हम जितना लगातार संवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो भूमिका है, ये जो एक तरह का संबंध है, वो संबंध और विस्तारित रूप के साथ में हमारे सामने प्रकटता है, प्रकट होता चला जाता है कि एक पेरेंट अपने बच्चों के स्कूल में कितनी आवृत्ति में, किन मुद्दों के साथ में, स्कूल के टीचर्स के साथ में संवाद करता है और किस तरह के सजेशन के साथ में वो टीचर्स के साथ में जुड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें लगातार आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया, ये जो सिलसिला है, एक दूसरे को भी एनरिच करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभिभावक अपनी तरफ से सारी चीज़ों में जो भी होता है उसके बच्चे के स्कूली शिक्षा में, अगर हम कक्षा फर्स्ट से बात बात करें और ये स्कूली शिक्षा की बात करें तो ये 12वीं तक की बात है, तो ये जो आने वाले 12 साल में वो कैसे चीज़ों में खुद को आगे बढ़ाता है, खुद को तैयार कर पाता है और किस तरह से वो टीचर्स को एक नया डायमेंशन देता है सोचने के लिए, तो एक म्यूचुअल सीखने का, म्यूचुअल ढंग से चीज़ों पर काम करने का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना और उस इन्वॉल्वमेंट को और विस्तार देना, नए मुद्दों के साथ में उसको विस्तार देना और अपनी समझ को और मैच्योर करना, ये लगातार काम करते रहने की प्रक्रिया के साथ हमें और ज़्यादा आगे ले जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये सूचनात्मक चीज़ है कि अभिभावकों को तो ये कर देना चाहिए और उनका ये काम बस यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये कई बार बहुत सारे लोग इस बात को बहुत ज़्यादा तारीफ के साथ लोगों के साथ बांटते हैं कि हमारे यहाँ अभिभावक इस तरह का कंट्रीब्यूशन किया, ये मदद की, फला मदद की, वो अच्छी बात है। अगर किसी स्कूल में किसी तरह के रिसोर्सेज को लेकर किसी तरह की आवश्यकता है तो अभिभावकों को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, पर मुझे लगता है कि ये जो मदद है, ये जो रिसोर्सेज की या जो भी आर्थिक रूप से या किसी तरह का के संयोग की या और किसी तरह के कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, तो ये निश्चित रूप से आवश्यक है अगर ज़रूरी है तो, पर मुझे लगता है कि लगातार स्कूल को और अपडेट करते रहने के लिए ये जो स्कूल और टीचर्स के बीच में लगातार एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो संवाद है वो संवाद लगातार अलग अलग मुद्दों पर और टाइम समय के अनुरूप आने वाले नए मुद्दों पर काम करते रहने के साथ जो बनता है और ये सतत चलता है, इस तरह के संवाद की, इस तरह के कंट्रीब्यूशन की और इस तरह के बहुत ही सुदृढ़ संबंधों के स्वरूप की जो संकल्पना है वो बेहतर शिक्षा की और बेहतर स्कूल के
की मांग करता है, या इस तरह के मॉडल्स को स्थापित करने की एक जो एक आवश्यकता है उसके स्वरूप को की एक झलक देता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन में, एक माह में, एक वर्ष में खत्म होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। वर्ष दर वर्ष मुद्दों के अनुरूप या समय विशेष के साथ आने वाले नए इश्यूज जो बच्चे के सीखने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके सीखने को और ज़्यादा गति और विस्तार देते हैं, उन सारे पक्षों में जो ये संवाद है, ये संवाद बहुत स्वस्थ और बहुत ही प्रैक्टिकल संवाद जिसकी मैंने यहाँ बात रखी है, उसको नियमितता देने की भी ज़रूरत है और उसमें और खुद के लेवल पे भी और पूरे एक ये पूरा जो स्वरूप है स्कूल टीचर्स और बच्चों का उसमें इसको और ज़्यादा विस्तार देने की भी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने जो बात की है, जिस त्रिकोण को हमने आज समझने की कोशिश की, ये त्रिकोण किन्हीं सीमित विषयों में, किन्हीं सीमित मुद्दों में, किन्हीं सीमित संदर्भों में हम इसको नहीं देख रहे हैं, ये व्यापक संदर्भों में हम इसको यहाँ खोलने की कोशिश की है। पर हम उम्मीद करते हैं कि काशी इस तरह का समूह, इस तरह का संवाद और इस तरह की परिस्थितियाँ हम स्कूलों में बना पाएँ और पेरेंट्स को उस लेवल पर हम एंगेज कर पाएँ जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, कि वो कैसे नए नए मुद्दों पर बच्चों के सीखने के जो भी संदर्भ हैं उनमें किस तरह से एक नई नई परिस्थिति उत्पन्न करने में अपनी भूमिका देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यापक संदर्भों में हम इस पूरी त्रिकोण को इस रूप में देखते हैं कि ये स्कूल कोई नहीं बल्कि पूरे जो सामाजिक संदर्भ है, जो सामाजिक परिवेश है, उसमें भी इन सारे सवालों को समझने में, इन सवालों को रेस्पॉन्ड करने में अपनी भूमिका देख पाएँ, इसी तरह की उम्मीद हम इस पूरे संदर्भ में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ख़त्म होने वाली या एक बार ये कोई परिघटना नहीं है, ये सतत रूप से एक जीवंत संवाद को हम स्थापित करने की बात इस पूरे विमर्श में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विमर्श का दौर है, ये विमर्श का दौर जारी रहना चाहिए। तो अभी हम इस बातचीत के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जब हम एक नया एक क्वेरी देवेंद्र जी ने रखी है कि अजीम प्रेम जी स्कूल में हम इन सारे पक्षों को किस तरह से देखते हैं, तो अजीम प्रेम जी स्कूल के संदर्भ में बात करें तो हमने शुरुआत से ही इस बात को केंद्र में रखा है कि किस तरह से अभिभावकों को हम स्कूल के विकास में भागीदार बनाएं। तो हम हर मोड़ पे, हर लेवल पे, हर किसी खास तरह के इवेंट और जो भी होने वाली लगातार प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं में अजीम प्रेम जी स्कूल में अभिभावकों को हमने उसका बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा और एक तरह से ये कहें कि उसके जो असेंशियल एक तरह के प्राथमिक स्टेक होल्डर की तरह हम देखते हैं, और हमारा विश्वास है कि हम उनकी मदद से, उनके संयोग से, उनके प्रयासों से और उनके साथ होने से इस काम को जिस हद तक यहाँ ला पाए हैं उसमें अभिभावकों का इसमें काफ़ी योगदान रहा है, विचार के तौर पे भी और अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग मौक़ों पे उनका जो मार्गदर्शन होता है, उनका जो उनके जो सुझाव होते हैं और उनका जिस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो हमें संबल भी देता है और हौसला भी देता है कि हम एक अच्छे स्कूल को के निर्माण में किस तरह से और एक तरह का आयाम हम जोड़ पाते हैं। तो ये लगातार हम पेरेंट्स के साथ में इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और हम नई समझ के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, हर साल एक नए विजन के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अपने आप को पाते हैं। और हमें लगता है कि जो अजीम प्रेम जी स्कूल में, बम्बोर और टोंक में जो अभिभावक हैं उनके साथ लगातार इस मिसाल को हम कायम करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से अभिभावक स्कूल में
बहुत सक्रिय सहभागिता निभा सकते हैं और स्कूल को और ज़्यादा बेहतर करने में किस तरह से अभिभावक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इस प्रयास को हम सारे पक्षों को सामने रखते हुए करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई अभिभावक तथाकथित रूप से शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो स्कूल में क्या मदद कर सकता। हम संस्था के तौर पे हमारा भरोसा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के अनुभवों के साथ में जो समय बिताता है और जो एक्सपीरियंस गैदर करता है, तो उसके पास बच्चों को देने के लिए, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। बशर्ते हैं कि जो बच्चे या जो भी व्यवस्था है वो उसको उसी रेस्पेक्ट के साथ में उसको स्पेस दे। तो हम पूरी तरह से हर व्यक्ति का एज एन इंडिविजुअल और एज एन ह्यूमन बीइंग पूरा रेस्पेक्ट भी करते हैं और उसको इन्वॉल्व करते हैं और उसमें उसका जिस भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम इसी विचार के साथ में आगे बढ़ते हैं कि कोई भी स्कूल जब तक बहुत बेहतर स्कूल का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उससे जुड़ी जो कम्युनिटी है, उससे जुड़ा जो समुदाय है, वो एक्टिवली उस स्कूल का हिस्सा ना बने, एक्टिवली उस स्कूल की जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन, उनकी सहभागिता सुनिश्चित ना हो। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही मजबूत कड़ी के तौर पे हमें कम्युनिटी को साथ रखना चाहिए, साथ ही नहीं रखना चाहिए बल्कि उनको उस पूरे काम की जो ओनरशिप है उस ओनरशिप का फील भी हमें देना चाहिए कि वो सिर्फ सहयोगी की भूमिका में बाहर से नहीं है बल्कि एक्टिव पार्टनर की तौर पे उस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हम उसी सम्मानित जो स्पेस जो अभिभावक का स्कूल बनता है हम उसी के साथ और उसी संदर्भ में उसी समझ के साथ में हम पेरेंट्स को स्कूल में देखते हैं और हम उनका उतना ही आदर करते हैं और मिलजुल कर इस पूरे प्रयास को आगे ले जाने में उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन अपेक्षित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अजीम प्रेमजी स्कूल के संदर्भ में हम जो भी हमने प्रयास किया है और जो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसमें हम इसी विचार को और मजबूती के साथ में आगे ले जाने की संकल्पना रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम मिलकर बहुत बेहतर अच्छे स्कूल का मॉडल विकसित करने में सफल हो पाएंगे। और ये जो प्रयास है वो बाकी जो हमारे हम जिन सरकारी स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, उनके लिए भी एक तरह का खास तरह का एक अनुभव और एक खास तरह का एक इनसाइट देने का काम करेगा। मुझे लगता है कि ये इस तरह का प्रयास हमें इस पूरे काम को बेहतर ढंग से आगे ले जाने में और इस तरह के काम की पैरवी करने में हमें उत्साह भी देता है और एक तरह का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करने का एक आधार देता है कि हम इस तरह के बेहतर मॉडल खड़े कर सकते हैं। और हम जिन स्कूल्स के साथ में काम करते हैं हमें पूरा विश्वास है कि जो पूरा एजुकेशन का पूरा सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, वो हमारे साथ मिलकर इस तरह के प्रयासों को की पहल को हमें स्थान भी देता है, हमें इस पूरे काम में जुड़कर काम करने के लिए एक तरह का आमंत्रण भी देता है। हम मिलकर इसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमें लगता है इस काम को हम और आगे ले जाने में और बेहतर करने में इस पूरी व्यवस्था के साथ में हम हमारा जो पूरा विजन है फाउंडेशन का, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो पूरा सरोकार है, हम उसको आगे ले जाने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ हम इस पूरी बातचीत को यहाँ तक लाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये बातचीत का जो हमारा जो समय सीमा थी वो ख़त्म होने जा रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को यहाँ विराम देता हूँ। अगर किसी तरह का कोई और कोई इश्यू है देवेंद्र जी या बाकी साथी इसमें कुछ और क्वेरी ऐड करना चाहते हैं तो मैं रेस्पॉन्ड करूँगा, पर जहाँ तक टाइम लिमिटेशन अभी हमारे सामने है वो उसमें शायद हमें
और ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बातचीत को हम इस पूरे संदर्भ को यहाँ रखने की कोशिश की, और जो धन सरोकार मंच और देवेंद्र जी ने ये मौका मुझे उपलब्ध कराया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस बातचीत में जो भी साथी जुड़े हैं,